कर्नाटका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म क्यू को प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया और इस फिल्म के डायरेक्टर जयेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ये बात कही थी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की जानिब से इनके जो भी साथी हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से भी आज इन्हें जो है सम्मानित किया गया। हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं जयेश सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, क्योंकि जम्मू की एक फिल्म को जो है वो अवार्ड से नवाजा गया। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले भी आपने कहीं इंटरव्यूज दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये कंसेप्ट आपको किस कैसे आया, कहाँ से ये कंसेप्ट आया कि मुझे इस तरह की एक सोशल फिल्म बनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आज से कोई 12-13 साल पहले जब मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स सीख रहा था, तब मैं शॉर्ट्स फिल्म बनाता था 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए फिल्म, उस समय मैं सीख रहा था। तो उस दौरान मैं आमफला वृद्धाश्रम में गया था, तो किसी के साथ गया था, तो मैंने जो वहाँ पर देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आई फेल्ट वेरी वेरी बैड। तो क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग सीख रहा था, उस समय शॉर्ट फिल्म्स बना रहा था, तो मैंने उसी समय आई मेड माई माइंड कि जब मैं एक मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा फीचर फिल्म बनाने का, तो किसी ना किसी दिन मैं ये इस सब्जेक्ट पर फिल्म ज़रूर बनाऊंगा। और भगवान ने मुझे मौका दिया, मैंने पहले अपनी एक फीचर फिल्म बनाई बच्चे मन के सच्चे, उसके बाद काफ़ी अंदर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका था, तो फिर हमने इसकी शूटिंग स्टार्ट की, तो फिल्म बन गई। और वी फाइट कौन सी जगहों पर इस फिल्म की शूटिंग हुई? देखिए, इसकी जम्मू डिवीजन में ही इसकी शूटिंग हुई है डिफरेंट प्लेसेस पे, और खासकर इसकी 30-35% रियल लोकेशन में इसकी शूटिंग हुई है, वृद्धाश्रम में ही, आमफला वृद्धाश्रम में ही हमने इसकी शूटिंग की है। और उसमें भी हमारे जो रियल कैरेक्टर्स हैं, कुछ रियल कैरेक्टर्स यानी कि जो वहीं पे रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो उन्होंने बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, उन्होंने बहुत अच्छी सपोर्ट की, बहुत अच्छी कोऑपरेशन दी, इनफैक्ट वहाँ के जो इनमेट्स थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और नाउ वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि पहले नॉमिनेशन में आई, फिर अवार्ड मिला, वी आर फीलिंग वेरी वेरी प्राउड कि जम्मू कश्मीर की ऐसी फिल्म, बहुत 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 खुशी हो रही है। ओल्ड एज होम पर ये पूरी फिल्म जो है वो बनाई गई है। अगर हम बात करें हमारे जम्मू और कश्मीर की, तो माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उन्हें नौकरियों तक पहुंचाते हैं, बहुत सी मेहनतें जो है अपने बच्चे पे करते हैं, उसके बावजूद जब वो बच्चा जवान हो जाता है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जब बच्चा जवान हो जाता है वो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज देता है, उन बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? देखिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इतने कई माँ बाप तो बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सोसाइटी में, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए बच्चों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ, आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, मैं आई कैन गिव यू अ गारंटी, सभी के लिए नहीं, लेकिन 100 अगर लोग देखेंगे, अगर वो सपोज अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं या रिस्पेक्ट या कदर नहीं करते हैं, आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म उनके कम से कम भी 10-12-20 लोगों के आंखों में आंसू आएंगे और उनके बिहेवियर और उनमें चेंज आएगी, देन यू नो दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अपने माँ बाप की कदर करना शुरू कर देंगे। बेसिकली इट्स अ मैसेज ओरिएंटेड फिल्म, दैट इज व्हाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड दिया गया। कब तक हमें ये फिल्म देखने को मिलेगी और क्या जम्मू के थिएटर्स में भी ये लगेगी, और साथ ही साथ कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर ये फिल्म रिलीज की जाएगी? देखिए, इसको 3 महीने के बाद या तो ये थिएटर्स में आपको फिल्म दिखेगी या OTT प्लेटफॉर्म में दिखेगी, जो आजकल आज की डेट में काफ़ी फेमस है OTT प्लेटफॉर्म, तो इन दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म में आपको दिखेगी, या हो सकता है कि दोनों प्लेटफॉर्म में दिख जाए आपको। बिल्कुल, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आप मूवीज बना चुके हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए? अभी तक देखिए, मैंने जो भी फिल्म बनाई है, फीचर फिल्म बनाई है, 2-2.25 घंटे की वो फिल्म होती है, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है, लगभग 1.5-2 साल लग जाता है। अब क्योंकि नाउ आई एम इनटू पॉलिटिक्स, मैं आम आदमी पार्टी में लगभग 1.5 साल से काफ़ी एक्टिव हूँ, और मेरा मोटिव यह है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 70 सालों में बहुत 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 गलत हुआ है, तो इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कि फिल्में नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहेगा, तो अभी आने वाले प्रोजेक्ट में मेरी एक शॉर्ट फिल्म होगी, 15-20 मिनट की शॉर्ट फिल्म होगी,
वो बेसिकली आज देख रहे हैं कि हमारा युवा है वो बेसिकली नशों की तरफ जा चुका है। कोई चिट्टा यूज कर रहा है, कोई इंजेक्शन यूज कर रहा है, कई तरह के नशे हो रहे हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में उनको जिम्मेदार कहूँगा, लीडर्स को जिम्मेदार कहूँगा, और यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको मैं वो भी एक कारण है। तो उस पर मैं फिल्म बनाना चाहूँगा 15 से 20 मिनट। तो उसमें अगेन सोशल मैसेज होगा। We will try to convey message to the society कि ये किन किन कारणों ये चीज़ हो रही है और कैसे कैसे हम इसको रोक सकते हैं। और अगेन आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म लोगों को मैसेज मिलेगा, हर एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेगा, लोगों को मिलेगा और पेरेंट्स को भी मिलेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जयेश गुप्ता जी थे हमारे साथ जो क्यों फिल्म के डायरेक्टर हैं, और ये हमारे जम्मू और कश्मीर के लिए फख्र की बात है कि जम्मू और कश्मीर की एक फिल्म को जो है वो कर्नाटका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में अवार्ड दिया जाता है। कुछ ही महीनों बाद जो है आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि उन लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा, उन बच्चों के लिए ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो माँ बाप के बूढ़े होने पर उन्हें ओल्ड एज होम भेज देते हैं। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायर रसोड़े के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।